दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे हीटर्स के बारे में जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा नहीं लेके आएंगे और आपको प्रॉपर हीट भी प्रोवाइड करेंगे इस ठंड के मौसम में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं कि जो चैनल को चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा ताकि आपको सारे हीटर्स के बारे में फुल जानकारी मिल सके। मैंने कुछ पांच हीटर्स सिलेक्ट किए हैं और इन पांचों हीटर्स में जो सबसे अच्छी खासियत वो है कि आप इसमें ये जान सकते हैं कि ये जो हीटर्स हैं वो कम बिजली यूज करेंगे और आपको ज्यादा आउटपुट देंगे, ज्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे आपके हिसाब से। जो सबसे पहला हीटर आप देख सकते हैं दोस्तों अपने स्क्रीन पे वो है उषा का QH3002 क्वार्ट्ज रूम हीटर। ये जो रूम हीटर है काफी छोटा है और काफी कॉम्पैक्ट है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का दिखने वाला है, 13 इंच की हाइट है इसकी। इसमें एक जो सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों वो ये है कि अगर हीटर गिरता है या टेढ़ा हो जाता है तो इसका एक सेफ्टी टिप होता है जो कि अपने आप स्विच ऑफ कर देता है, कट ऑफ कर देता है इस हीटर को। यहां पे आप देख सकते हैं ये जो माउस जहां पे है मेरा, इस जगह पे ये सेफ्टी टिप दिया हुआ है। तो जरा सा भी अगर आपका ये हीटर टिल्ट होता है या फॉल होता है तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा। इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी देती है। आपको दो पावर आउटपुट मिलता है, एक मिलता है 400 वॉट और एक मिलता है 800 वॉट। आप दोनों आउटपुट में चला सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दो फिलामेंट लगा हुआ है, एक फिलामेंट चलाएंगे तो आपको 400 वॉट का आउटपुट मिलेगा, एक फिलामेंट दूसरा चलाएंगे, दोनों चलाएंगे तो आपको 800 वॉट का आउटपुट मिलेगा। और इसको आप दोनों को एक यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें कि आप दोनों में से सिर्फ एक पावर यूज करना चाहते हैं, सिर्फ 400 वॉट यूज करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं। इसमें टू हीटिंग पोजीशंस दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है देयर आर टू हीटिंग पोजीशंस टू सूट योर कंफर्ट। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से आप दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं और ये ज्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर ऑटो कट ऑफ का सिस्टम होता है कि जब ये ज्यादा हीट हो जाता है तो अपने आप कट ऑफ हो जाता है या हीट को कंट्रोल कर लेता है ताकि ना ये फिलामेंट जले और ना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपका वेस्ट हो। अब बात करते हैं दूसरे अपने रूम हीटर के बारे में जो कि है ऑर्पेट का OEH1220 2000 वॉट फैन हीटर। ये जो है वो फैन हीटर है, ये स्मॉल और मीडियम साइज रूम के लिए आइडियल एक मैच माना जाता है। 15 एम्पियर का इसमें सॉकेट लगेगा, नॉर्मल ये सॉकेट में नहीं चलने वाला है तो 15 एम्पियर का सॉकेट इसके लिए चाहिए। 3 पिन है जैसा कि आप देख सकते हैं। सेफ्टी कट ऑफ का सिस्टम है इसमें, ये भी अगर आप जब ज्यादा हीट हो जाती है तो ये भी अपने आप को कट ऑफ कर लेता है। इसमें भी दो हीट सेटिंग्स हैं, एक 1000 वॉट की, एक 2000 वॉट की। ये थोड़ा ज्यादा पावरफुल है हमारे उषा के हीटर से और आपको ज्यादा हीट और ज्यादा अच्छा ब्लोअर प्रोवाइड करेगा। इसमें सिर्फ फिलामेंट नहीं है, इसमें फैन भी है। तो दोस्तों ये थोड़ा आवाज कर सकता है, ये साइलेंट नहीं होगा बट ये थोड़ा बेटर पड़ेगा। जो पिछला हीटर है वो पड़ेगा आपको 1300 रुपीज का और जो ये हीटर है वो आपको पड़ेगा 1115 रुपीज का। ये जो दाम है दोस्तों वो वेरी कर सकते हैं, तो इसमें ये कंफर्म दाम नहीं है। ये हो सकता है आपके लिए कम भी हो जाए, हो सकता है कल को ज्यादा भी हो जाए। तो आप कभी भी इसको ऑर्डर करेंगे तो एक बार दाम देख लीजिएगा, अपने हिसाब से इसको ऑर्डर करिएगा। अब चलते हैं अपने तीसरे हीटर के बारे में। देखिए ये जो हीटर है ये थोड़ा कॉम्पैक्ट हीटर है और काफी देखने में भी काफी अच्छा लगता है। इस हीटर में कुछ ज्यादा खासियतें हैं, जैसे कि ये 2000 वॉट का है तो ये इसमें भी दो सेटिंग्स हैं, एक है 1000 वॉट की सेटिंग, एक है 2000 वॉट की सेटिंग। इसका जो सबसे अच्छा फीचर है इसकी जो बॉडी है वो गर्म नहीं होती। दोस्तों इनकी बॉडी गर्म हो सकती है, गर्म हो जाएगा ये बॉडी गर्म हो जाएगी, लेकिन जो ये हीटर है इसमें एक फंक्शन ये है कि इसकी बॉडी गर्म नहीं होती। यहां पे देखिए लिखा हुआ है कूल टच बॉडी, आप टच बॉडी को छू सकते हैं आराम से क्योंकि ये बहुत गर्म नहीं होने वाली है। लॉन्ग लाइफ हीटिंग एलिमेंट है इसके अंदर तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो इसके मोटर की वायरिंग है दोस्तों वो 100% कॉपर की है। इसमें भी 15 एम्पियर का प्लग टाइप लगेगा तो आप उसको यूज करिएगा। और एज अ सेफ्टी मेजर जब बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा या वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा तो इसका जो फ्यूज होता है वो मेल्ट हो जाता है और हीटर जो है वो स्टॉप वर्किंग कर लेगा और आप फ्यूज नया लगा सकते हैं। बहुत ही 5 रुपए या 10 रुपए का उसका फ्यूज मिलता है तो आप उसको लगा सकते हैं। और दोस्तों इसको आप फैन की तरह भी यूज कर सकते हैं, मैंने बताया था कि इसमें कुछ खासियतें हैं तो इसको आप फैन की तरह भी यूज कर सकते हैं। कैन बी यूज एज अ फैन, जब आप चाहते हैं हीट करना तो आप हीट कर सकते हैं। जो ये वाला प्लग आप देख सकते हैं, ये वाला यहां पे हीट करने का ऑप्शन दिया हुआ है और ये फैन के ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इसको फैन की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो आप इसको डबल तरीके से यूज कर सकते हैं। ये हीटर पड़ेगा आपको 1274 रुपीज का, तो इसको आप चाहें तो आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने चौथे ऑप्शन की तरफ जो कि हमारा सेकेंड
ऑप्शन है, मतलब हमने रैंक किया नीचे से ऊपर, यानी 5 4 3 2, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन है, लेकिन ये रैंक इसका सेकंड है, ऑर्पेट का ही है, ऑर्पेट OES 1260 2000 वॉट फैन हीटर। इसमें दोस्तों ये है कि एक स्मॉल है, ये एक छोटा सा रूम हीटर है। दोस्तों इसमें जो खासियत है, वो ये खासियत है कि ये एक छोटा सा हीटर है और ये भी स्मॉल और मीडियम साइज रूम के लिए ही सही है। थोड़ा सा नॉइस प्रोवाइड करेगा क्योंकि इसके अंदर फैन है, थोड़ा सा ये नॉन सैगिंग है, स्टिचिंग टाइप है और लॉन्ग लाइफ हीटिंग एलिमेंट है इसमें। सेफ्टी कट ऑफ इसमें भी है दोस्तों, मैंने आपको जितने भी हीटर्स बताए हैं दोस्तों सब में 2 हीट सेटिंग्स हैं और सेफ्टी कट ऑफ है। आप 2 हीट सेटिंग्स में उन हीटर्स को चला सकते हैं, चाहे वो 400-800 वॉट वाला फिफ्थ नंबर वाला हमारा उषा का हो या बाकी जो हमारे ऑर्पेट के हैं वो 1000-2000 वॉट वाले हैं, इनको आप 2 हीट सेटिंग में चला सकते हैं, 1000 वॉट के हीट सेटिंग में और 2000 वॉट के हीट सेटिंग में। और दोस्तों इसको भी आप फैन की तरह यूज कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि ये हीटर की तरह वर्क करे तो आप नॉर्मल फैन की तरह इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें वेरिएबल थर्मोस्टेट सेटिंग्स भी हैं, ये देख सकते हैं दोनों स्विचेस आप दिए हुए हैं, इसके पहले वाले में भी दिए हुए थे दोनों स्विचेस, तो इससे आप हीट सेटिंग्स को भी वेरी कर सकते हैं और फैन की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं इस सेटिंग्स को चेंज करके। दोस्तों ये जो पड़ेगा वो पड़ेगा 1349 रुपीज में आपको डिलीवरी के साथ। दोस्तों आपको इन हर हीटर्स का जो लिंक है वो टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप जा करके हीटर्स को खरीद सकते हैं, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वो हीटर मिल जाएगा, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब दोस्तों जो नंबर 1 पे जिस हीटर को मैंने रैंक किया है, जो सबसे बेस्ट हीटर है मेरे हिसाब से इस ठंडी में जो आपको सबसे अच्छा रहेगा, वो होगा ये बजाज का ब्लो हॉट 2000 वॉट रूम हीटर, जो कि पड़ेगा आपको 1939 रुपीज में। ये आपको 4.2 इंच का है, इस इमेज में आप देख सकते हैं कैसा इसमें आपको बॉडी के सामने ये दिखाई देगा। उसके बाद इस इमेज में आप देख सकते हैं ये कैसा दिखता है, क्यूबॉइड शेप में है, इसमें 3 स्विचेस हैं कूल ऑफ वार्म और हॉट के, तो इनको आप 3 सेटिंग्स में यूज कर सकते हैं। 2 हीट सेटिंग्स दी हुई है 1000 वॉट की 2000 वॉट की, एकदम कॉम्पैक्ट डिजाइन है। दोस्तों इसमें जो वारंटी मिलती है आपको 2 इयर्स की मिलती है, बाकी चारों हीटर्स में आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है, लेकिन इस हीटर में पर्टिकुलर आपको 2 इयर्स की वारंटी मिलती है। पावर आउटपुट मैंने बता दिया 1000 वॉट और 2000 वॉट का लगेगा इसमें। हर हीटर के नीचे कस्टमर केयर नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कस्टमर केयर नंबर पे फोन कर सकते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो पर्टिकुलर हीटर है ये ब्लोअर फॉर फोर्स्ड एयर सर्कुलेशन, ये ब्लोअर की तरह वर्क करता है, सभी ब्लोअर की तरह वर्क करते हैं। इसमें फैन, लेकिन दोस्तों इसमें कूल फैन भी चल सकता है जैसे कि बाकी इन दोनों में मैंने आपको बताया था, और इसमें भी ये कूल भी कर सकता है, ये हल्की गर्मी भी आपको देगा और आप चाहेंगे तो ये बहुत गर्म हवा भी आपको छोड़ेगा, और आप इसको ब्लोअर की तरह भी यूज कर सकते हैं, इसके आगे आप कपड़े भी सुखा सकते हैं, सभी के आगे आप चाहें तो कपड़े सुखा सकते हैं, सभी ऐसे ही वर्क करेंगे आपके लिए। 2 साल की वारंटी मिलती है, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। थोड़ा महंगा है 1939 का, लेकिन ड्यूरेबल है, आप चाहें तो इसको खरीद सकते हैं, मैं इसको रिकमेंड करूंगा। 2 साल की आपको प्रोडक्ट की वारंटी मिलती है जो किसी पे नहीं मिलती है। मान लीजिए अगर आप 1350 रुपए का ये खरीद सकते हैं तो सिर्फ 550 रुपए लगा करके आपको ये चीज मिलती है, और इसके साथ आपको 2 ईयर की एडिशनल वारंटी मिलती है, तो ये बहुत है। और ये जो है वो अप्रूव्ड बाय बेस और ISI मार्क्ड भी है, मेड इन इंडिया भी है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। मैं आपको स्ट्रांगली यही रिकमेंड करूंगा। और दोस्तों जो रेटिंग्स हैं सबकी, मैंने कस्टमर रेटिंग्स, कस्टमर रिव्यूज सब पढ़े हैं, तभी मैंने सारे प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हैं। इसमें देखिए 3.5 स्टार की रेटिंग है, इसमें 4 स्टार की रेटिंग है, इसमें 3.5 स्टार की रेटिंग है, इसमें 4 स्टार की रेटिंग है, और इसमें भी 3.5 स्टार की रेटिंग है। दोस्तों अगर आपको इनमें से कोई भी हीटर खरीदना होगा तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के टॉप में, 1 to 5 करके, पहले बजाज का दिया होगा, फिर ऑर्पेट, फिर ये, फिर ये, फिर ये, पांचों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप जो भी हीटर खरीदना चाहते हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप उस लिंक पे क्लिक करके वो हीटर तुरंत ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। और दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस सबसे पहले मिलते रहें। और दोस्तों बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।